हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमेशा की तरह आपके साथ आज भी बहुत सारे नो कॉस्ट वाला आइडिया शेयर करूंगी, जिससे मैं अपने घर को नो कॉस्ट में और लो बजट में अपने घर को डेकोरेट करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ। वैसे ही मैं सोचती हूँ कि आप भी मेरी तरह आप भी आपके घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करें, डेकोरेट भी करें और ज़्यादा पैसा आपका भी खर्च ना हो। मैं जो भी मुझे ना आइडिया अच्छा लगता है वही चीज़ ही आपके साथ शेयर करती हूँ, ऐसे नहीं कुछ फेक वाला आइडिया शेयर करती हूँ। मुझे जैसा आइडिया अच्छा लगता है, मैं जैसे सोचती हूँ मेरे घर के लिए सही है, मुझे लगता है कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं आपके घर के लिए भी वो सारे सही होगा, इसलिए वही सोच के ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आए हो मेरे कुछ आइडियाज़ आपके लिए ज़रूर तो काम आ ही रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी आइडिया आए तो आइडियाज़ पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो यहाँ पे मैं ना मेरा मनी प्लान ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा है, लेकिन थोड़ा नीचे को लटक रहा था। मैं एक वीडियो में देख रही थी कि वहाँ पे बोल रहे थे कि मनी प्लांट नीचे लटकने से अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मैं फटाफट से एक आइडिया लगाई। यहाँ पे थोड़ा सा लकड़ी ली, उसको थोड़ा क्लाइंबर की तरह उसको मनी प्लांट को लपेट दी और यहाँ पर जो ब्रेड में और जो वायर वगैरह को टाइप करने के लिए मिलता है ना, उसी में ही यहाँ पर मैं क्या करूँ टाइप कर दूँ, ताकि मेरा जो प्लांट है उसका नुकसान ना हो और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा ये जो प्लांट बहुत अच्छे तरीके से टाइप भी हो जाए। बहुत सारे मार्केट में ऐसे टाइप करने के लिए मिलता है और ऑनलाइन में भी मिल जाता है, लेकिन ये आपका जीरो कॉस्ट के आपको ये वाला सारे चीज़ अगर घर पे ही है तो हम बाहर से क्यों खर्च करें, है ना। आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ यार कमेंट मी, और यूज़फुल भी होगा तो आपके लिए प्लीज़ कमेंट मी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं बहुत अच्छे से इसको टाइप कर दी, देखने में आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। थोड़ा सा हेल्दी होता और थोड़ा सा अगर लॉक में होगा ना, आप ऐसे क्लाइंब करके रखोगे देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसको डेकोरेट करने के लिए वो भी मेरे पास कुछ कुछ छोटे मोटे पेबल्स वगैरह पड़ा था, उसी को ही मैं यहाँ पर क्या करूँगी डेकोरेट कर दूँगी। और इसको सारे मैं कलरिंग करके यहाँ पर डेकोरेट कर रही हूँ। ये भी शायद मैं पहले भी आपके साथ वीडियो में शेयर भी की थी, तो फिर से आपके साथ शेयर करूँ ताकि कई कुछ फ्रेंड्स मेरे नहीं देखे होंगे तो उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा। और छोटे छोटे पेबल्स भी कुछ पड़ा था, उसी को भी मैं यहाँ पे क्या करूँगी सारे अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी। और यहाँ पे ना मैं आपके साथ और एक बहुत अच्छा आइडिया शेयर करूँगी, बिल्कुल छोटा सा आइडिया है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कभी कभी ना हमारा फ्रेम वगैरह पुराना हो जाता है और इसका कभी कभी लुक भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, अगर आप फटाफट लुक चेंज करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पहले आपको खाली वाला फ्रेम का लुक भी थोड़ा सा दिखाई थी, और मेरा भी फ्रेम ना बीच में थोड़ा सा ख़राब हो गया था, उसको जब रिपेयर करने के लिए दिए ना, उसका जो मिडिल वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कैसे अजीब सा लग रहा था, मतलब देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, उसके थोड़ा सा मतलब दाग वगैरह लग गया था और कितना गंदा सा लग रहा था। तो इसी में मैं क्या क्यों वॉलपेपर को सर्कल शेप पे काट करके यहाँ पे चिपका दी, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे बहुत अच्छा आपको सर आइडिया शेयर करूँगी, आपके घर में भी अगर ऐसे सूरख पड़ा है, टूट गया है ऐसे कुछ, तो आप ज़रूर इसको रियूज में ला सकते हो। जैसे आपको इसका कंडीशन दिखा रहे हो, इसका जो व्हील है वो भी टूट गया है और इसका कलर भी सारे फेड हो गया है, और उसको व्हील वगैरह भी निकाल भी दी हूँ, और ये जो सूर्य के ना मैं उसको पलटा के रखी हूँ, जो कि नीचे वाला साइड ऊपर की तरफ, ऊपर वाला साइड नीचे की तरफ रखी हूँ, ताकि मैं इसको कलरिंग कर सकूँ और इसको स्टैंड बना सकूँ। देख सकते हो यहाँ पे मैं थोड़ा कलर वगैरह करना शुरू भी कर दी हूँ, और इसका ना जो लेग वगैरह बनाने के लिए थोड़ा सा हाइट देने के लिए मैं यहाँ पे क्या की हूँ, थोड़ा सा यहाँ क्या वो जो बोतल का ढक्कन आता है उसको यहाँ पे स्टिक की हूँ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ग्लू की मदद से। अगर ये अच्छे से नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पे सोचती हूँ बाद में होल करके टाइप कर दूँगी, जो जिप टाई वाला आता है ना उसको मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगी। फिलहाल के लिए मैं इसको ग्लू की मदद से स्टिक की हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगी, इनामिल व्हाइट कलर का जो इनामिल पेंट होता है ना उसमें यहाँ पे 2 से 3 बार कोट करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 से 3 बार कोट करने के बाद इसका कलर कुछ ऐसा आया है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और लुक बिल्कुल ही चेंज हो गया है। कोई भी नहीं बोलेगा हमारा वही टूटा फूटा सूर्य है। उसका रात को अच्छे से कलर करके मैं ना पूरे रात भर के ड्राई होने के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद मैं जितने भी जो फैला हुआ जो सामान है उसको सारे यहाँ पे सारे लपेट के सारे समेट के रखूँगी, क्योंकि इसको तो सारे अच्छे से रखने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो ये भी बहुत अच्छे से ड्राई भी हो गया है, तो चलिए सारे सामान को अभी अच्छे से रख देते हैं। और यहाँ पे मैं ना बहुत अच्छा आपके साथ आइडिया शेयर करूँगी, आप सिर्फ इसको इसको ना ये जो रैक को आप सूर्य की तरह ना यूज़ करके भी, या बुक सेल्फ की तरह मेरी तरह ना यूज़ करके आप इसके अंदर कपड़े भी रख सकते हो, प्लांट्स वगैरह भी रख सकते हो। जैसे छोटे छोटे प्लांट्स में भी आप डेकोरेट कर सकते हो, बालकोनी अगर छोटा है तो आप उसमें ये छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह रख के भी डेकोरेट कर सकते हो, यानी तो घर के अंदर भी कहीं पर भी कॉर्नर में ना
कुछ कुछ डेकोरेटिव पीस रख के भी आप डेकोरेट कर सकते हो, और चारों तरफ लाइट भी लगा देना, छोटे छोटे डेकोरेट पीस रख देना, देखना काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं सारे जो मेरी बेटी की बुक वगैरह सारे ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो ये सारे यहाँ पे देखिए कुछ कुछ बुक मार्क्स बनाई जो कि मतलब जो कपड़े में मिलता है ना टैग वगैरह, उसी से ही ये बनाई है, तो थोड़ा अच्छा लगा, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर दी। और ऐसे बहुत से छोटे छोटे सामान वो बनाती रहती है, मैं कभी कभी फेंक भी देती हूँ, और कभी कभी जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो ऐसे रख भी देती हूँ। और ये एक डुप्लीकेट 500 रुपये भी मिला, तो इसलिए उसी को भी मैं यहाँ पे रख के थोड़ा सा आपके साथ शेयर भी कर दी। और यहाँ पे जितने भी मैं सामान ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ली हूँ ना, सारे चीज़ मैं यहाँ पे जो कार्डबोर्ड बॉक्स होता है उसी को ही ली हूँ, सारे मैं यहाँ पे कवर कर दी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है मतलब बाहर की तरफ दिखाई देता है, इसका कुछ कवर नहीं है तो इसमें अच्छा नहीं लगेगा करके मैं सारे कवर की हूँ। आपके घर में भी ऑनलाइन में शॉपिंग करने के टाइम कुछ भी ऐसे बॉक्स वगैरह मिलता है ना, आप बिल्कुल मत फेंकिएगा, ऐसे छोटे मोटे जो कार्डबोर्ड बॉक्स है बहुत अच्छे तरीके से काम में आता है, ज़रूर आप इसको घर पे रख के कुछ ना कुछ काम में यूज करिएगा। तो इसके बाद देख सकते हो ये मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे अरेंज करके रख दी, और देखने में जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा मेरा ये जो आइडिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके घर में भी ऐसे बेकार का सूर्य का हो तो आप ज़रूर ऐसे यूज में लाना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड जाते जाते फिर से बोल रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।